अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हश मनी केस में डोनाल्ड ट्रंप को सभी 34 आरोपों में दोषी पाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैनहट्टन जूरी ने ट्रंप को हश मनी क्रिमिनल ट्रायल में बिजनेस रिकॉर्ड्स में हेरफेर करने के सभी 34 मामलों में दोषी पाया है। ऐसा पहली बार है जब पूर्व राष्ट्रपति को किसी अपराध में दोषी पाया गया हो। जूरी ने डोनाल्ड ट्रंप पर फैसला सुनाने से पहले करीब 10 घंटों तक इसे लेकर विचार विमर्श किया। डोनाल्ड ट्रंप की सजा को लेकर अगली सुनवाई की डेट 11 जुलाई 2024 की है। इसमें उन्हें जेल भी हो सकती है। वहीं इस फैसले के सामने आते ही डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ट्रंप ने इस फैसले को अपमानजनक बताया है। उन्होंने कहा, असली फैसला चुनाव में आएगा जो 5 नवंबर 2024 को होने वाला है। वो बाइडेन से चुनाव में मुकाबला कर रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि हश मनी केस आखिर है क्या। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हश मनी केस में 34 आपराधिक मामले हैं। इन सभी में वो दोषी पाए गए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने साल 2016 में एक सेक्स स्कैंडल से बचने के लिए एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को पैसों का भुगतान किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनाव से पहले बिजनेस डील भी छिपाई थी जिसका असर चुनाव में हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की दावेदारी कर रहे थे। उन्हें डर था कि अगर स्कैंडल सामने आ गया तो उनकी दावेदारी खतरे में पड़ जाएगी। ट्रंप के केस में कोर्ट के इस फैसले का बुरा राजनीतिक प्रभाव भी हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले के सामने आने के बाद अमेरिका में होने जा रहे चुनावों में उनकी दावेदारी पर असर पड़ सकता है, लेकिन इसका असर चुनाव में अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रंप की चुनावी रिपोर्ट का परिणाम तो समय ही बताएगा। खैर, आपको बता दें कि अमेरिका में बिजनेस रिकॉर्ड छिपाना या उसमें धोखाधड़ी करना बड़ा अपराध माना जाता है। इसमें जुर्माना और जेल दोनों के प्रावधान हैं। अब सवाल उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को जेल की सजा हो सकती है? तो जानकारों का मानना है कि कहीं ना कहीं ये संभव नहीं दिखता है। उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर उन्हें नजरबंद रखा जा सकता है, मगर जेल की सजा हो ये शायद संभव नहीं है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका में फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को जेल की सजा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही मिलती है। इसमें भी देखा जाता है कि उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं। हालांकि ये सब कुछ जज और केस की मेरिट पर डिपेंड करता है। इस खबर में बस इतना ही।